वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि जस्ट वन बाइट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेसंग हिसुक को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे प्रपोज नहीं कर पाता है और हिसुक के स्कूल टाइम का क्रश डोनम भी वापस आ जाता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि तेसंग हिसुक क्यूंजू और युनसंग एक साथ बैठे होते हैं। तेसंग कहता है कि चान ह्युक ने जानबूझकर सूजी को अपने प्ले के बारे में बताया था। उसने उसे डायरेक्ट तो इनवाइट नहीं किया, लेकिन शायद वो चाहता है कि सूजी खुद उसका प्ले देखने जाए। हम दोनों चान ह्युक से कुछ टाइम पहले मिले थे और मुझे पक्का यकीन है कि उसके दिल में अभी भी सूजी के लिए फीलिंग्स हैं। जब भी हमने सूजी का नाम लिया, उसके चेहरे के रिएक्शन देखने लायक थे। युनसंग हिसुक से कहती है कि हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हिसुक कहती है, पता नहीं उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। युनसंग कहती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हिसुक कहती है, चान ह्युक ने एक इशारा कर दिया है, हमें सूजी को इसे समझने में मदद करनी चाहिए। वो दोनों प्लान बनाकर खुश होकर हाईफाई करती हैं और दोनों लड़कों से भी हाईफाई देने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी प्ले देखने आती है और वो अपनी फ्रेंड्स को मैसेज करके अंदर चली जाती है। तभी क्यूंजू और तेसंग चुपके चुपके बाहर आते हैं। उन दोनों ने बड़ा ही फनी गेटअप बनाया होता है। तेसंग पूछता है कि हमने ऐसा भेष क्यों बनाया है, इससे तो हम पर ज्यादा ध्यान जाएगा। तो क्यूंजू कहता है कि मैं क्या करूं, युनसंग को यही पसंद है। वो दोनों उन दोनों सहेलियों का वेट कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से दोनों सहेलियां निकलती हैं और उनके साथ डोनम भी आता है। युनसंग उन्हें देखकर कहती है कि तुम दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो। वैसे क्या सूजी अंदर चली गई है। तेसंग थोड़ा नाराज होते हुए डोनम की तरफ इशारा करके कहता है, तुम लोग साथ में क्यों आए। तो हिसुक कहती है कि ये फ्री था तो इसने हमें लिफ्ट दे दी। डोनम उनसे फ्रेंडली वे में बात करते हुए उन्हें कॉफी ऑफर करता है, लेकिन दोनों उसे मना कर देते हैं। अंदर जाकर स्नैक्स खाते हुए युनसंग उन्हें अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि सूजी चान ह्युक का प्ले देखने जाएगी और हमें मैसेज करके पूछेगी कि हम कहाँ है, तो हम दोनों बहाना बनाकर कह देंगी कि हम नहीं आएंगी। फिर प्ले शुरू होगा और चान ह्युक स्टेज पर अपनी ग्रैंड एंट्री लेगा। दोनों एक दूसरे को देखेंगे। फिर प्ले खत्म होने के बाद जब सब चले जाएंगे तो सूजी भी जा रही होगी, तो चान ह्युक वापस आकर उससे पूछेगा, क्या तुम स्पेशली मुझे देखने के लिए आई थी। सूजी भले कुछ भी कहे, लेकिन चान ह्युक उसके आने से खुश तो होगा ही। उन दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स का पता लग जाएगा और फिर सब पहले जैसे हो जाएगा। ये सब इमेजिन करके दोनों बहुत खुश हो रही होती है। तेसंग पूछता है, क्या सच में ऐसा होगा, क्या सूजी को पता है कि चान ह्युक भी प्ले में है। हिसु कहती है, उसे जरूर पता होगा, तुम दोनों ने ही तो कहा था कि उसने ये डायरेक्ट चान ह्युक से सुना था। युनसंग भी कहती है कि अगर उसे पता नहीं होता तो वो यहाँ नहीं आती। तभी डोनम अपनी सीट से उठ रहा होता है तो क्यूंजू उसे बड़ा खुश होकर पूछता है, क्या तुम जा रहे हो। तेसंग भी खुश हो रहा होता है, वो कहता है कि मैं तो पानी लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर दोनों के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। डोनम को कुछ समझ नहीं आता है कि उन दोनों के मन में क्या चल रहा है। तभी दोनों सहेलियों को सूजी का मैसेज आता है और वो दोनों खुश होते हुए प्लान के हिसाब से काम करना शुरू कर देती हैं। वो दोनों सूजी को मैसेज करके कह देती हैं कि हम दोनों नहीं आ पाएंगी। तभी प्ले शुरू हो जाता है। बाद में दोनों सहेलियां अपने ग्रुप के साथ बाहर आकर कह रही होती है कि अब तक तो हमारा प्लान काम भी कर गया होगा। तभी उन्हें सूजी का मैसेज आता है। वो दोनों खुशी खुशी पढ़ रही होती है, लेकिन तभी सूजी उन्हें कहती है कि तुम दोनों की वजह से मुझे पूरा प्ले अकेले देखना पड़ा, लेकिन वो प्ले मजेदार था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो दोनों तेसंग से पूछती हैं कि क्या हम सही जगह पर आए हैं। तेसंग फोन पर चान ह्युक से पूछने वाला होता है, लेकिन तभी क्यूंजू उन्हें प्ले का पोस्टर दिखाता है और उस प्ले में मेन लीड कोई और ही होता है। डोनम ने चान ह्युक को नहीं देखा होता है, तो वो उस पोस्टर वाले आदमी को चान ह्युक समझता है और कहता है कि क्या ये चान ह्युक है, इसकी मूछें तो शानदार हैं। तब उन सबको पता चलता है कि चान ह्युक प्ले का मेन लीड नहीं है। वो सब सोच रहे होते हैं कि जब चान ह्युक मेन लीड में नहीं है तो फिर उसका रोल क्या था। उधर सूजी प्ले देखकर बाहर जा रही होती है। वो अपने फोन में देखते हुए जा रही होती है, तभी वो एक अजीब सी ड्रेस पहने लड़के से टकराती है और वो देखती है कि वो लड़का तो चान ह्युक है। चान ह्युक उसे देखकर बौखला जाता है। सूजी भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तो वो कहती है कि मैं तो प्ले देखने आई थी। चान ह्युक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा वैसे मैं भी प्ले में था। सूजी कुछ सोचते हुए पूछती है, तुम प्ले में थे।
तभी वो याद करते हुए कहती है, अच्छा तो तुम मोमबत्ती बने हुए थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो उसे टाटा करके वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन सूजी उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर दोनों बैठे होते हैं, जानयू कुछ कह रहा होता है लेकिन सूजी कहती है कि पहले मुझे बोलने दो। वो कहती है कि मैं बहुत दिन से तुमसे बात करने की सोच रही थी, मैंने तुम्हें मैसेज करने की भी सोची, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे किस मुंह से बात करूं। मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहती हूं कि इतना सोचने के बाद भी मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। मेरी इनसिक्योरिटी ही मेरी प्रॉब्लम थी, तो मुझे जवाब मिलता भी कैसे, सारी प्रॉब्लम तो मैं खुद हूँ। शायद मैं थोड़ी सेल्फिश लगूं, लेकिन क्या हम दोबारा साथ में आ सकते हैं? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जानयू चुपचाप बैठा होता है, उसे ऐसे देखकर वो कहती है कि मैंने तो ये ऐसे ही बोल दिया, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो फिर ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि जानयू रो रहा होता है। वो हंसते हुए कहती है, तुम रो रहे हो? वो चैन की सांस लेते हुए कहता है कि मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे अपने दिल की बात बताने के लिए थैंक्स। ये सुनकर सूजी को रोना आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, हम दोनों मिलकर तुम्हारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे ताकि तुम खुश रह सको। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो उसके पास खिसक कर कहता है, तो अब मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? सूजी हंसते हुए कहती है कि ये भी कोई पूछने की बात है। फिर वो दोनों किस करते हैं और उन दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।